Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Inqilab Zindabad. You understand what the Rolat Act says? Bloody Indians! Saiban! आज वैसाखी का दिन है हम यहाँ किसी किस्म का फसाद पोजिशंस लोड फायर किशन सिंह जी ससिकाल ज्वाला सिंह जी पांच बजे जलने वाले बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे देता अपने हजारों आदमी मारे गए हम लड़ेंगे जरूर लड़ेंगे मगर हिंसा से नहीं अहिंसा से हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दें मजदूर फैक्ट्री से निकल आए बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें कोई किसी तरह का टैक्स ना दें सारे विदेशी कपड़े जला दो ऐसा करो कि इस ब्रिटिश सरकार का यहाँ सारा काम काज रुक जाए अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूँ कि एक साल में हमें आजादी मिल जाएगी किशन सिंह जी एक बहुत बुरी खबर है जी गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जी क्या बोल रहे हो जी हाँ जी मैं अभी रेडियो के ऊपर सुनकर आ रहा हूँ जी चोरी चोरा में शान जुलूस के ऊपर पुलिस ने गोलियां चला दी कुछ लोग मर गए इससे भड़क कर लोगों ने थाने में आग लगा दी 22 पुलिस भी मारे गए इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया उन्होंने कहा स्वतंत्रता के लिए अभी अपना देश पूरी तरह तैयार नहीं है क्या हुआ इसे सिनेमा देखने गया था कल रात गलती से एक क्लास में घुस गया वहां कुछ अंग्रेजों ने मारा इसको वही जो क्रिकेट खेलने आते हैं वो दो लड़के किधर गए चलो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहोगे यस सर बिल्कुल बिल्कुल सर सोच लो ये रास्ता खतरों से भरा है एक क्रांतिकारी के लिए उसकी पार्टी उसका मकसद सब कुछ है फिर उसके जीवन में ना कोई आराम ना कोई खुशी ना सुख ना प्यार ना घर ना परिवार कुछ नहीं हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है सर सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुएगा दिल में है आओ भगत सिंह आओ हम राम प्रसाद बिस्मिल विद्यालंकर जी की चिट्ठी मिली हमें कॉमरेड्स हमारे नए साथी भगत सिंह तुम कौन हो बताओ कौन हो तुम कौन हो बताओ कौन हो तुम पंडित जी ये हमारा नए साथी भगत सिंह है भगत ये चंद्रशेखर आजाद तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए था भगत सिंह जान भी जा सकती थी पार्टी का असूल है किसी अजनबी को अपना नाम ना बताएं बिस्मिल जी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी आज देख लिया आजादी हमारा मकसद नहीं है कि भूल चुकी क्या सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है आजादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए क्या यही आजादी है
इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं, आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने यह खबर भेजी है कि यहां जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है, और इसी से खौफ पैदा होगा। दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। स्कॉट नहीं, सॉन्डर्स है। We have 3 witnesses, sir. Then get me the suspects, you moron. Comb the town, block all exits. Highway checkpoints, bus stands, rail stations. Raid hostels, boarding houses. And if anybody runs, shoot the bastard. Watch each face carefully. और से देखिए हर चेहरे को। आप तीनों ने उन खूनियों को देखा है। वो मुजरिम बच के जाने ना पाए। तेरी नजर से कोई नहीं बच पाएगा बच्चा। तेरा भाग्योदय होने वाला है। अलग निरंजन। माफ कीजिए, मैं गिर गया। हमको मालूम तुम गिरा हुआ आदमी है। चलो जल्दी कीजिए ना, बेचारा गरीब है। क्या जाने दो, कम ऑन विलियम। हटा पीछे, जेंटलमैन को रास्ता दो। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जनता को नहीं मालूम। उनकी नजरों में तो हम वही हैं जो अंग्रेजों ने हम पर ठप्पा लगा दिया है, आतंकवादी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने भी हमें वही बताया है। यही सब जगह हमारे बारे में छपा है और लोग भी हमारे बारे में यही समझते हैं। सच तो यह है कि हम अब तक आवाम के साथ जुड़ नहीं पाए हैं। अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। यहाँ एक आदमी है, जतिन दास नाम है उसका, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। वो हमें बम बनाना सिखा सकता है। अरे ज्योतिंदा, ये धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि बस बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बढ़िया भगत, बढ़िया। इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और लोगों की भगदड़ में बम फेंकने वाले भी आसानी से निकल आएंगे। नहीं पंडित जी, जो जाएगा लौट के नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। अब तक हमें गैर जिम्मेदार और टेररिस्ट बताया गया है। गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएंगी। अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, ये सरकार खुद हमें बना के देगी। उनके गढ़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। स्पेशल एनवॉय ऑफ द वॉइसरॉय हिज एक्सीलेंसी लॉर्ड अर्विन, मिस्टर जॉर्ज सूस्टर। Lord, 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 L
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरेस्ट हिम। कुछ गैर जिम्मेदार नौजवानों ने आजादी की लड़ाई को बदनाम किया है। ये एक खेदजनक हरकत है, इससे स्वतंत्रता हासिल करना और मुश्किल हो गया है। ये बहुत दुखदायी घटना है, इसके जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस देश के नौजवानों को तय करना होगा कि वो किसके रास्ते पे चलेंगे, महात्मा गांधी के या इस भगत सिंह के। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था योर ऑनर। हमारे देश का असली आधार है हमारे किसान, हमारे मजदूर। लेकिन ना सिर्फ उनकी मेहनत को बेदर्दी से लूटा जा रहा है, बल्कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनसे विरोध करने का बुनियादी हक भी छीना जा रहा है। उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष को दुनिया के सामने लाना हमने अपना फर्ज समझा, इसीलिए ये बॉम्ब फोड़ा गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारी नई पीढ़ी खुद सोचे कि उसे किस तरह का भविष्य चाहिए। वो सवाल करना सीखे। आंख मूंद के किसी के पीछे चलना भी एक तरह की गुलामी है। और हमारे महान नेताओं को चाहिए कि वो आवाम को उपदेश और प्रवचन देना बंद करें और उनकी सुने। सॉरी यार, मूवमेंट जारी रखे हुए थे लेकिन सब कुछ अचानक हो गया यार। समझने के लिए हाँ तो मिस्टर घोष, इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। योर ऑनर, इनको बम बनाने को नहीं पता। कि भूल चुके तुम्हीं? अगर तुम्हें बम बनाना आता है तो बताओ बम बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। हाँ ये रमन का मुश्किल काम है। बोलो। गन कॉटन। गन कॉटन। गॉज वायर। गॉज वायर। अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। सल्फर। सल्फर। रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस। रेड सल्फाइड। रेड सल्फाइड। कार्बोलिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। बस और कुछ बाकी नहीं है। कुछ भूल तो नहीं रहे दादा? नाना की जो दिंदा, ठीक बोली नहीं? Yes, you are absolutely correct. I'm proud of you, funny. मिल गया सबूत। पूछिए पूछिए, और क्या पूछना है पूछिए। नहीं जी, बहुत पूछ लिया। Your Honor, हमें और कुछ नहीं पूछना। बॉम्ब बनाने के बारे में जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से सीखा था, कल अखबार के जरिए हमारे देश का बच्चा बच्चा सीख लेगा। थैंक यू मिस्टर खान। Your Honor, please stop. तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि यदि जनता इनके रास्ते पर चलने लग गई तो इससे हमारे समाज की रचना नहीं हो सकती, सिर्फ विनाश ही होगा। विनाश हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। अहिंसा और प्यार, यही दो तरीके हैं आजादी पाने के। इतने सालों से इस अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने जनरल डायरों और कितने लॉर्ड अरविनों के दिल जीत पाए हैं। हम अंग्रेज सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। हमने डोमेनियन स्टेटस की मांग की है और वो हम लेकर रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे छीन के लेंगे। सर, अंग्रेजी हुकूमत को अब बात साफ नजर आने लगी। अदालत के जरिए भगत सिंह का प्रचार देश भर में जागृति ला रहा था। यू हैव टू स्टॉप हिम। हर्बर्ट, फॉर गॉड्स सेक, आई हैव टू फॉलो द लॉ। यू आर द लॉ। नाउ मिस्टर जैकबाउ, यू टेल द ट्रुथ टू द कोर्ट। मेरा बयान बिल्कुल सच्चा है। स्कॉट को मारने का प्लान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब ने मिलकर बनाया था, जिसमें मैं भी शामिल था। After taking into account the entire evidence and arguments, the tribunal pronounces the following sentences in Lahore conspiracy case: Bijoy Kumar Sina, Kishori Lal, Mahabir Singh, Shiv Verma, Kaya Prasad, Jai Dev, and Kamalnath Tiwari, transportation for life. Rajguru, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। अल्शवाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल थ्री टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर
डेड। धन्यवाद आपका। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पंडित जी, आपके लिए पुलिस की दबिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पैसे तो मिल ही गए हैं, आप रशिया क्यों नहीं निकल जाते? नहीं सुखदेव राज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। ये पैसे राजगुरु की माँ को दे देना जी, उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। पंडित जी सुखदेव राज भाग। बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। नहीं रोएगी तेरी माँ, भगत सिंह नहीं रोएगा। नहीं बेटा, इनकलाब जिंदाबाद जरूर बोलना। एक और बात थी पैक्ट से अलग, तीन नौजवानों को फांसी दी जाने वाली है। Do you mean Bhagat Singh? उसके शहीद हो जाने से देश का माहौल शायद बिगड़ सकता है, क्या इस बारे में कुछ किया जा सकता है? I quite appreciate your view, Mr. Gandhi, but I cannot conceive of anyone who is more thoroughly deserving of capital punishment than Bhagat Singh. आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। ओ भगत, अब तो रब का नाम ले। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते। हाथ खोल दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद!